तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला अगर क्वेश्चन देखोगे, ए ब्लॉक है मास एम रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन विच इज मेक एंगल थीटा। अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लिनेशन प्लेन पे थीटा डिग्री पर एक ब्लॉक यहाँ से रुका हुआ है, रेस्ट में है। तो अगर ये रेस्ट में है, रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस इज, मतलब कुल मिला के मुझे यहाँ फ्रिक्शन निकालना है। तो अगर मैं यहाँ फ्रिक्शन निकालूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो सबसे पहले इस पे फोर्स देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल लगाएगा, इंक्लाइन पे लगाएगा ही, और एम जी लगाएगी अर्थ, ठीक है ना। और यहाँ पे अब रुका हुआ रेस्ट में कहीं जा ही नहीं रहा है, तो इस लाइन में एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी साइन थीटा, जो कि ब्लॉक को नीचे स्लाइडिंग करने की टेंडेंसी हमेशा रखेगा। और एम जी का एक कॉम्पोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, जो कि नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा। अब एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, तो एम जी साइन थीटा को पीछे एक फोर्स आएगा जो बैलेंस करेगा, वही फ्रिक्शन होगा। अब ये फ्रिक्शन जो है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो अगर बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, फार्मूला लगा देंगे एफ मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, और म्यू एन की वैल्यू यहाँ एम जी कॉस थीटा रख देंगे, और म्यू एम जी कॉस थीटा यहाँ इसमें से है तो कोई नहीं, बट ये इक्वेशन ही गलत है, ठीक है ना। अब एक ब्लॉक रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो जब वो रेस्ट पे है तो हाँ वो ऑब्वियसली रेस्ट पे तभी रह सकता है, समझना इस बात को, जब ये जो फ्रिक्शन है वो एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एम जी साइन थीटा के बराबर नहीं होगा तो एम जी साइन थीटा अधिक हो जाएगा और वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है यहाँ स्टेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना, स्टेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है और रेस्ट में है, तो यहाँ से एम जी कॉस थीटा तो इसमें है नहीं, तो स्टेटिक फ्रिक्शन हो सकता है वो मैक्सिमम लग रहा हो भाई, रेस्ट में है तो हो सकता है वो लिमिटिंग भी लग रहा हो, ठीक है, हो सकता है वो लिमिटिंग भी लग रहा हो, पर ऐसे पद बता नहीं सकते ना। जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा उसकी वैल्यू इसके बीच होगी, ठीक है ना, ये वाली यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना। जो भी फ्रिक्शन होगी, मतलब जीरो से लेके मैक्सिमम अवेलेबल कितना है, मैक्सिमम अवेलेबल म्यू एम जी कॉस थीटा है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल जो फ्रिक्शन है वो ये यहाँ पे लग रहा होगा, दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर भी हो जाए, मैक्सिमम हो, अगर फिर भी अगर उसको रेस्ट में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये बताया नहीं कि मैक्सिमम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैक्सिमम जब लगेगा तो ब्लॉक जस्ट चलने वाला होगा। तो दूसरा यहाँ चांस ये बनता है कि फ्रिक्शन जो है स्टेटिक होगा, जो कि इसके भी जीरो से लेके, और वो बैलेंस कैंसिल कर रहा होगा एम जी साइन थीटा को, मतलब 20 न्यूटन अगर एम जी साइन थीटा होगा तो 20 न्यूटन ये फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से डी ऑप्शन अपना मैच कर जाता है, एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा समझ के। थैंक यू।